अगर भारतवर्ष की सुंदरी को देखना चाहते हो तो कभी चित्तौड़गढ़ के इतिहास को पलट कर देख लो। कहते हैं पद्मावती के सौंदर्य के बारे में जब सुना था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उसकी सौंदर्य का दीवाना हो गया था और उसे प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और जब पद्मा को पता चला कि मुझे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहते हैं एक चिता नहीं तैयार होती, 100 चिता नहीं तैयार होती, 1000 चिता तैयार नहीं होती, 14,000 चिताएं तैयार होती है और 14,000 चिताओं में 14,000 युवतियां अपने आप को जलाकर भस्म कर देती है, पर किसी मुगल के हवस का शिकार होना पसंद नहीं करती है। कहते हैं जब दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश करता है, ओ मेरी सुंदरी पद्मा, जो सबसे सुंदर चिता सजी हुई थी, उस चिता के पास जाता है, देखता है एक 80 साल की बुढ़िया खड़ी है। उस बुढ़िया से पूछता है, ओ बुढ़िया बता मेरी सुंदरी पद्मा कहाँ है, बता बुढ़िया मेरी सुंदरी पद्मा कहाँ है। वो बुढ़िया चिता के राख को उठाती है और कहती है, अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर फेंकती है और कहती है, ओ अलाउद्दीन खिलजी ले ये तेरी सुंदरी पद्मा है और सुन, मेरी पद्मा ने जाते जाते तेरे लिए एक संदेश दिया है, मेरी पद्मा ने जाते जाते तेरे लिए एक संदेश दिया है। व्याकुल होता हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी पूछता है और बुढ़िया पद्मा के वक्तव्य को बताती है, ओ अलाउद्दीन खिलजी जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता, जिसे तू पाना चाहता है उसे तू पा नहीं सकता, जो भोजन शेर का है कुत्ता खा नहीं सकता, जो भोजन शेर का है कुत्ता खा नहीं सकता। और इतना कहकर वो बुढ़िया भी उस चिता में अपने आप को जलाकर भस्म कर देती। ऐसी सुंदरियां हमारे देश में हुई। अगर वास्तव में भारत की सुंदरियों को देखना चाहते हो तो याद करना दाहिर की उन दो कन्याओं को, सूर्या और परिमाला को याद करना। दोनों बहनों ने एक दूसरे के पेट में खंजर भोंक कर मारना मरना पसंद किया, पर किसी मुगल के होश का शिकार होना पसंद नहीं किया। अगर देश की सुंदरियों को देखना चाहते, कहते हैं मजाक मजाक में जीजा ने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया, दुर्गा ने तलवार तान दिया और कहा, जीजा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ को पकड़ लिया। दूर से बहन देखती है, भागती भागती आती और कहती, दुर्गा इन्हें माफ कर दे, इनसे गलती हो गई। पर मेरी बहनों मेरी बेटियों, दुर्गा उस तलवार को नीचे नहीं रखती और कहती, जीजा एक बात कान खोल कर सुन लेना, जिस हाथ को किसी पराए मर्द ने हाथ लगाया हो उस हाथ को दुर्गा का हाथ कहने का अधिकार नहीं है। और उसी तलवार से दुर्गा ने अपने हाथ को काट दिया। ये हमारे देश की सुंदरियां हुआ करती थी। अगर देश की सुंदरियों को देखना चाहते हो, रात के 12 बजे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है, अंदर से नैना पूछती है कौन, बाहर से लड़खड़ाती आवाज आती है, बहन मैं तेरा मुंह बोला भाई तात्या टोपे। कहते हैं मेरठ और झांसी के बीच की घटना, वो नैना दरवाजा खोलती है, देखती है तात्या टोपे के दोनों पैरों में गोलियां लगी है। वो तात्या टोपे को अंदर करती है, कुंडी लगाती है और अपने कक्ष में ले जाती है, पैरों से गोलियां निकालती है, मरहम पट्टी करती है। वो तात्या टोपे कहते हैं, बहन आज लगता है मेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया, मेरे पीछे अंग्रेज पड़े हैं, अगर जीजा जी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में हूं तो वो अंग्रेजों को जाकर सूचित कर देंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों की नौकरी करते हैं। वो नैना कहती है, भैया जब तक तेरी बहन जिंदा है अपने भाई पर कोई आंच आने नहीं देगी। फिर दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई देती। तात्या टोपे कहते हैं, बहन लगता है जीजा जी आ गए। वो नैना तात्या टोपे से कहती है, भैया जब तक मैं आवाज ना दूं तुम कमरे से बाहर मत निकलना। और जिसमें तात्या टोपे थे कक्ष के दरवाजे को फटा देती है और जाके दरवाजा खोलती है, मुख्य द्वार, और पति महोदय आते हैं, कहती है, आइए हाथ मुंह धोइए, मैं भोजन परोसती हूँ। कपड़ा उतार कर नैना का पति खूंटी पर टांगता है, रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रखता है, बाथरूम के अंदर हाथ धोने जाता है और जब बाथरूम से बाहर आता है तो फर्श पर पड़ी खून की बूंदों पर नजर पड़ती है। वो नैना का पति समझ जाता है कि घर में तात्या टोपे हैं।
और पत्नी अपने पति की नजर को भाप जाती है कि इन्हें पता चल चुका है कि घर में तात्या टोपे हैं। मेज पर से रिवॉल्वर उठाती है और छहों की छहों गोलियां अपने पति के सीने में दाग देती है। गोली की आवाज सुनकर लड़खड़ाते तात्या टोपे बाहर आते हैं, देखते हैं नैना का पति जमीन पर औंधा पड़ा है और खून की नली बह रही है। वो तात्या टोपे कहते हैं, बहन ये तूने क्या किया, बहन तूने ये क्या किया, जो पति तुझे अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता था और तू भी अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार अपने पति से करती थी, आज तूने अपने धर्म भाई के लिए अपने प्यारे पति के प्राण ले लिए। मेरी बहनों, वो नैना क्या उत्तर देती, जरा ध्यान से सुनना। वो नैना कहती है, ओ मेरे भैया तात्या टोपे, कान खोल कर सुन लेना, जो मेरे देश का पति नहीं वो नैना का पति नहीं हो सकता है। मेरी बहनों विचार करना, ऐसी ऐसी देवियां हमारे देश में हुई है। याद करना, अकबर जो मीना बाजार लगवाया करता था, 9 रोजों के मेले में मीना बाजार लगवाया करता था और उस बाजार में उस शहर की जितनी सुंदर युवतियां हुआ करती थी, बाजार करने जाया करती थी, और ये अकबर भी बुर्का पहनकर उस बाजार में घूमता था और जिस सुंदर युवती पर उसकी दृष्टि पड़ती थी, मन को भा जाती थी, उसे अपने हरम पर में ले जाता था भूल भुलैया के रास्ते से। दुर्भाग्यवश एक दिन उसने किसका हाथ पकड़ लिया जी, किरणमयी का, किरणमयी का हाथ पकड़ लिया। और जब तक किरणमयी होश संभालती, अकबर के हरम में जा चुकी थी। देखी, अरे बुर्के के पीछे कोई महिला नहीं, ये तो अकबर है। अकबर कालीन पर खड़ा था, किरणमयी नीचे खड़ी थी, क्षण भर भी नहीं विचार करती और पैरों के तले से कालीन पकड़कर खींचती है और अकबर धराम से धरती पर गिरता है। कमर से खंजर निकाल कर चढ़ जाती है मर्दानी बनकर, अकबर के सीने पर खंजर तान कर बैठ जाती और कहती, दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे असमत पर हाथ डालने का प्रयास किया। वो अकबर हाथ जोड़ने लगता, बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया। मेरी बहनों, अब तक इतिहास को इस बात का अफसोस है, काश उस दिन वो खंजर किरणमयी ने अकबर के सीने में भोंक दिया होता तो आज हमारे देश में लव जिहाद का चक्कर ना चला होता, आज हमारे देश में 35 टुकड़े श्रद्धा के ना किए जाते, आज हमारे देश की बेटियों के शव सूटकेस में ना निकले होते, फ्रिज से ना निकले होते। अरे घर में घुसकर वो मुल्ले आते हैं, हमारी बेटियों को आग लगा कर जला देते हैं, खंजर भोंक भोंक कर मार देते हैं, पत्थर से सिर चूर देते हैं। इसका कारण क्या है, केवल हमारी बेटियां, क्यों जी, इसका दोष केवल बेटियों पर जाता है, इसका दोष कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी। आज हमने अपनी बेटियों को वो संस्कार नहीं दिया, हमारी बेटियों को वो संस्कार नहीं दिया गया जो मोरोपंत रावत ने अपनी मणिकर्णिका को दिया था। ऐसे संस्कार जिसकी वीरता को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन संतावन की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।